हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है भाग टू, पार्ट टू ऑफ मुगल साम्राज्य का पतन, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पार्ट टू। हमने पार्ट वन में देखा था कि किस तरह से मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और उसका श्रेय जाता है बाबर को। उसके बाद बाबर से लेके औरंगजेब तक जितने भी मुगल सम्राट आए उनके विषय में हमने कुछ बातें जानी। ये सब हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि औरंगजेब की कुछ ऐसी नीतियां थी जिस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। और जो लेटर मुगल्स आए, मतलब जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल सम्राट आए, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि मुगल साम्राज्य को संभाल के रख सके, उसे आगे बढ़ा सके। औरंगजेब अपने ही जीवन काल में आशंकित था कि जैसे ही उसकी मृत्यु होगी उसके बेटे जो हैं वो उत्तराधिकार के लिए लड़ेंगे, यानी कि वॉर ऑफ सक्सेशन होगा। तो उसने पूरी कोशिश की कि ये वॉर ऑफ सक्सेशन ना हो, लेकिन वॉर ऑफ सक्सेशन होके ही रहा और उसमें उसका बेटा मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह वन के नेम से जाना जाता है, वो जीत गया और उसने बहादुर शाह वन की उपाधि धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो सबसे पहला लेटर मुगल था वो था बहादुर शाह वन, और जो कार्यकाल रहा का रूल टाइम रहा वो था 1707 से लेके 1712। जिस समय बहादुर शाह मुगल सम्राट बना उस समय उसकी उम्र 65 ईयर्स की थी, मतलब इट वाज अराउंड 63 है, कुछ में 65 है। तो वो अपनी 60s में, 60 की उम्र में था और वो सब जो लेटर मुगल्स आए थे उनमें से एक अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर्स आए, जितने भी सम्राट आए, वो एक मेयर पपेट थे अपने नोबल्स, अपने मिनिस्टर्स के अंडर पे। बहादुर शाह जो है वो लास्ट मुगल रूलर था जिसने एंजॉय किया था वास्तविक सत्ता, रियल रूल को। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लर्न्ड और डिग्निफाइड था, उसे समझ थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की समझ तो थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन को तो अच्छे से समझ लेता था लेकिन राजनीतिक तौर पे चीज़ों को समझने की क्षमता उसमें नहीं थी। औरंगजेब के विषय में ये भी कहा था कि वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था और कुछ पॉलिसीज थी औरंगजेब जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन के जो लोग खुश नहीं थे, उसका टॉलरेंट एटीट्यूड था। और उसने ट्राई किया कि अपने फादर के कुछ नैरो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज को रिवर्स करने का। जैसे ही बहादुर शाह सिंहासन पर बैठा, सबसे पहले उसने अपने मेन मिनिस्टर्स, नोबल्स, इन सबको अपॉइंट किया। सर्वप्रथम उसको जिस समस्या का सामना करना पड़ा वो था राजपूत का। क्या वजह थी कि राजपूत के अंदर एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट मुगल्स पनप रहा था? हुआ ये था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने, जो राठौर के शासक अजीत सिंह ने, जितने भी शाही, यानी कि जो मुगल दरबार से आए हुए अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनको निकाल दिया और उनकी जगह पे खुद के अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को अपने दरबार में रख लिया और साथ में ही अपनी ही कैपिटल जोधपुर जो थी, अपनी राजधानी जोधपुर, उस पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जैसे ही सिंहासन पर बैठा उसने ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने क्या किया, जय सिंह को सब उस समय उच्च मनसब और पद मिलने की मांग कर रहा था, उसने, बहादुर शाह ने रिप्लेस कर दिया जय सिंह को अब उसके छोटे भाई विजय सिंह से एट अम्बेर, एंड अजीत सिंह को भी मुगल सम्राट, मुगल अथॉरिटी को सबमिट करने के लिए कि वो अथॉरिटी को माने अजीत सिंह, उसको फोर्स किया। बहादुर शाह ने क्या किया, सबसे पहले तो जय सिंह को रिप्लेस किया उसके छोटे भाई विजय सिंह से, क्योंकि जय सिंह का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो इसीलिए विजय सिंह, और फोर्स किया अजीत सिंह को टू सबमिट टू मुगल अथॉरिटी। अम्बेर जो है ये रीजन आइए आजकल जयपुर के नेम से जाना जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रूलर्स थे, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से बहादुर शाह को शीघ्र ही अपनी मिस्टेक जो है वो समझ आई और उसने रिस्टोर कर दिया जो भी स्टेट्स उसने राजा जय सिंह से और अजीत सिंह से ली थी। लेकिन जो उनकी मांग थी हाई मनसब्स की,
ठीक है, जो उनकी मांग थी हाई मनसब की और गवर्नशिप की इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जैसे मालवा और गुजरात के गवर्नशिप की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या एक्सेप्ट किया, उसने रिस्टोर किया जो उनकी स्टेट्स थी, उनकी अथॉरिटी को माना, लेकिन जो हाई मनसब्स और गवर्नशिप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जैसे मालवा और गुजरात, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं मनसब। मनसब का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मनसब जो है ये डिटरमिन करता है रैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कोई भी ऑफिशियल है, दरबार में है, कोर्ट में है, वो सिविल मिलिट्री, उनके रैंक को ये मनसबदार सिस्टम जो है ये डिफाइन करता है। जितने भी नोबल्स हैं उनको एक जागीर जो है वो दी जाती है और उस जागीर में वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज, जितना वो सर्विसेज देते हैं उसके बदले में। तो जिसका जितना मनसब होता है उसका रैंक वो उतना ही ज्यादा होता है। तो इस तरह से बहादुर शाह ने राजपूतों की समस्या का सामना किया। इसके बाद जिस समस्या को देखा वो थी मराठास की। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की थी मराठाओं की शक्ति को कुचलने की, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो टोटल अनसक्सेसफुल रहा। बहादुर शाह ने मराठास के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसने मराठास को सरदेश मुखी कलेक्ट करने की ग्रांट दी, लेकिन चौथ की ग्रांट नहीं दी। चौथ और सरदेश मुखी क्या होता है? चौथ होता है जो विजित राज्य होता है उसके क्षेत्र के उपज का एक चौथाई भाग, 25% ऑन द प्रोड्यूस ऑफ रेवेन्यू। और सरदेश मुखी जो होता है अतिरिक्त टैक्स होता है जो कि 10% या 1/10 के रूप में लिया जाता है ऑन टॉप ऑफ चौथ। सो बहादुर शाह ने ट्राई किया फ्रेंडली रिलेशन बनाने का मराठास के साथ। उसने रिलीज किया शांबा जी के बेटे शाहू को, जो कि शिवाजी का ग्रैंडसन था, ऑन एडवाइस ऑफ जुल्फिकार खान। शाहू 1689 से औरंगजेब के द्वारा वो कैद में था। जैसे कि कामबख्श वो गवर्नर था दक्कन रीजन का, उसके बाद जुल्फिकार खान को दक्कन रीजन का गवर्नर बना दिया गया था जब कामबख्श की मृत्यु हो गई। जुल्फिकार खान की ही एडवाइस पे बहादुर शाह ने शाहू को छोड़ा। ना बहादुर शाह ने क्या किया, शाहू को छोड़ तो दिया लेकिन उसने उसे रेकग्नाइज नहीं किया, उसने उसे उपाधि नहीं दी मराठास किंग की, जिस वजह से क्या हुआ कि वहां पे ऑलरेडी जो ताराबाई है वो प्रेजेंट थी और इन दोनों के बीच में, ताराबाई और शाहू के बीच में, अथॉरिटी के लिए ओवर द मराठा किंगडम के लिए लड़ाई शुरू हो गई, एक सिविल वॉर शुरू हो गई, जिस वजह से ओवरऑल सिचुएशन दक्कन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई, डिसऑर्डरली कंडीशन हो गई। ताराबाई कौन थी? ताराबाई रानी ताराबाई के नाम से जानी जाती थी। ये मराठा क्वीन थी और वाइफ थी राजा राम की। राजा राम बेटा था छत्रपति शिवाजी का। राजा राम वॉज सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड शाहू वॉज ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी महाराज। सो ताराबाई थी डॉटर इन लॉ और विडो ऑफ राजा राम ऑफ शिवाजी, डॉटर इन लॉ ऑफ शिवाजी, एंड शाहू वॉज ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। समझने के लिए, शिवाजी हैड टू सन्स, राजा राम एंड शांभाजी, एंड शाहू वॉज सन ऑफ शांभाजी, एंड राजा राम्स वाइफ वॉज तारा बाई। सो 1689 में औरंगजेब ने मराठास को हराया था और शाहू को कैदी बना दिया था। ही इम्प्रिजेंट हिम टिल 1708 में, जब बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज किया ऑन द एडवाइस ऑफ जुल्फिकार खान। मराठास जो है वो आपस में भी लड़ रहे थे और वो मुगल अथॉरिटी के साथ भी लड़ रहे थे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी दक्कन रीजन में, जो दक्कन रीजन में जो भी सिचुएशन थी वो काफ़ी डिसऑर्डरली हो गई, डिसऑर्डर था, ओवरऑल कंफ्यूजन था वहाँ पे। और यही रीज़न था कि मराठास जो कि इतने पावरफुल थे, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा पूरे देश में, पूरे भारत और पूरे रीजन में नहीं फैला पाए। शाहू को रिलीज किया गया और उसे अर्लियर जो उसकी मनसब थी वो दे दी गई, लेकिन जो चौथ
जो है वो उसे ग्रांट नहीं दी गई और इसी वजह से वो भी अनसेटिस्फाइड था। जिस तरह से राजपूत अनसेटिस्फाइड थे उसी तरह से शाहू भी अनसेटिस्फाइड रहा बिकॉज उसकी जो मांगे थी, जो उसकी पूरी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई थी। सो बहादुर शाह, जहाँ पे औरंगजेब जो है वो काफ़ी अथॉरिटेरियन रूलर था, बहादुर शाह ने आते ही काफ़ी कंसीलिएटरी पॉलिसी, फ्रेंडली पॉलिसीज जो हैं वो राजपूत और मराठास के साथ यूज़ की, लेकिन सिखों के अगेंस्ट जो है बहादुर शाह ने पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, उनको दबाने की कोशिश की। अब सिख वो क्यों थे अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के? उसका रीज़न ये था कि 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दे दिया था, he gave him death sentence, जिस वजह से सिख वो विद्रोह कर रहे थे मुगल्स के अगेंस्ट। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो आए, ही बिकेम द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर के बाद, और उनका मेन सेंटर जो था वो आनंदपुर साहिब था। और सभी सिखों में एक यूनिटी लाने के लिए, सिख को एक बद करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, टू यूनिफाई ऑल सिख, एक एकजुट करने के लिए। पहले बहादुर शाह ने फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश किया गुरु गोविंद सिंह के साथ, और दक्कन के एक्सपीडिशन पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को अपने साथ चलने को भी कहा, परंतु रास्ते में किसी कारणवश जो है ये दोनों अलग हो गए नंदेड़ रीजन में, जहाँ पे एक अफगानी द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद आया बंदा बहादुर जो कि अगला सिख लीडर बना, इसने सिख ग्रुप बनाए। सो बंदा बहादुर बिकेम द नेक्स्ट लीडर ऑफ सिख ग्रुप। बंदा बहादुर के विषय में ये कहा जाता है कि बंदा बहादुर का असली नेम था लक्ष्मण देव, और 1708 में ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिला एंड ही बिकेम हिज फॉलोअर। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को नॉर्थ इंडिया भेजा टू स्प्रेड खालसा ओवर देयर, जो कि खालसा पंथ जिसको इस्टेब्लिश किया था गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए पंजाब के कई हिस्सों में हजारों सिखों को इकट्ठा किया तथा कई रीजन्स को लूटा भी, कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, ये रीजन्स है पंजाब हरियाणा के रीजन में, इनको लूटा भी। इसने सरहिंद को जीता 1710 में, और करेंसी भी निकाली, प्रिंटेड करेंसी इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, एंड जमींदारी सिस्टम को भी एंड किया। बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसने पूरा ट्राई किया बंदा बहादुर को सप्रेस करने का, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फाइनली उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्यू आर्मीज, जो उसके सीनियर ऑफिशल्स हैं, उन पे छोड़ दिया, और मुगल आर्मी जो है अंडर अमीन खान जो है वो लोहगढ़ फोर्ट में बंदा बहादुर के साथ लड़ी। लोहगढ़ फोर्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था, एंड लेटर हम पढ़ेंगे जब फारूक सियार के बाद, जो दूसरा लेटर मुगल है, 1716 में बहादुर शाह ये पकड़ा गया था एंड ही वॉज मर्डर्ड बाय इन द रूल टाइम ऑफ फारूक सियार। बंदा बहादुर को उसके जो भी फॉलोअर्स होते थे, जो शिष्य होते थे, वो उसे सच्चा पातशाह या फिर सच्चा सम्राट के नाम से बुलाते थे। बहादुर शाह ने एबॉलिश किया था जजिया टैक्स को। जजिया टैक्स जो होता है ये एक दूसरे रिलीजन पे टैक्स होता है, जो लोग होते हैं दूसरे रिलीजन को उनको पे करना होता है पोल टैक्स मुस्लिम रूलर को इन सर्विसेज की वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो बहादुर शाह ने इस जजिया टैक्स को एबॉलिश किया, एंड जजिया टैक्स, जैसे कि हमने देखा था कि औरंगजेब जो कि ऑर्थोडॉक्स काफ़ी था, ये जजिया टैक्स जो है ये औरंगजेब ने लगाया था, लेकिन उसके बेटा बहादुर शाह उसने काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया सभी रिलीजन की तरफ से, राजपूत, मराठा, इन सब की तरफ, और उसने अबॉलिश किया जजिया टैक्स को भी। बहादुर शाह के समय पे क्या हुआ कि इसने बहुत, जैसे कि बहादुर शाह ने खूब फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो इस चक्कर में बहुत अंधाधुंध जागीर बांटनी शुरू कर दी ताकि सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना सके, और इसी वजह से जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो खराब हो गई। लोग बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जानने लगते बुलाते थे। लोग बहादुर शाह को शाह बेखबर नाम से बुलाने लग गए क्योंकि ओवरऑल जो कंडीशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत खराब हो गई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था उसमें बहुत केयरलेसनेस होने लग गई, तो जिस वजह से बहादुर शाह को लोग शाह बेखबर
बुलाने लग गए। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि गृह युद्ध, उत्तराधिकार के लिए युद्ध जो है वो शुरू हुआ। बहादुर शाह के चार बेटे थे, चार पुत्र, जहंदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान एंड जहां शाह। इन चारों के बीच में यह गृह युद्ध हुआ और जिसमें जो विजेता रहा वो था जहंदर शाह। इसने अपने सभी भाइयों को मारकर गद्दी को संभाला था। इस पूरे जो वॉर ऑफ सक्सेशन जो औरंगजेब के बाद हुआ और अब हुआ, उसमें एक नई चीज खुल के सामने आई। वो ये थी कि पहले तो सिर्फ प्रिंस, जो शहजादे, वो लड़ा करते थे रूल के लिए, सिंहासन के लिए, लेकिन अब जो उच्च अधिकारी है या कोई भी एफिशिएंट अधिकारी है वो भी इस युद्ध को यूज करने लगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कि वो किसी भी पपेट को राजा बना दे और इस तरह से वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले ले। इसी युद्ध के कारण बहादुर शाह के शव को पूरे एक महीने तक दफन तक नहीं किया गया। जहंदर शाह खुद तो बहुत इनएफिशिएंट और इनकैपेबल रूलर था, लेकिन वो जुल्फिकार खान की मदद से इस युद्ध में विजेता रहा। जुल्फिकार खान ईरानी ग्रुप को बिलोंग करते थे, ईरानी दल को, क्योंकि मुगल दरबार में कई सारे गुट बटे हुए थे, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो इसी तरह जो जुल्फिकार खान जो है ये ईरानी ग्रुप को बिलोंग करते थे, जिनकी मदद से जहंदर शाह जो है वो मुगल सम्राट बन पाया। और जैसे ही जहंदर शाह मुगल सम्राट बना तो जिस लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया था उसने उन सबको इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। और जुल्फिकार खान जिनकी मदद से वो जहंदर शाह मुगल सम्राट बना था उसको उसने वजीर यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया। जैसे कि हमने कहा कि मुगल दरबार में कई गुट थे, तो उनमें ग्रुप्स थे जैसे कि ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो ये मेन चार इम्पॉर्टेंट ग्रुप थे मुगल दरबार में। इनमें से तुरानी, अफगानी, ईरानी जो हैं ये सेंट्रल एशिया, ईरान और अफगान, जैसे इनके नाम से ही है, ये ईरान से, ये सेंट्रल एशिया से, अफगान से, ये इस रीजन से आए हुए सोल्जर्स जो किसी टाइम पे जो सैनिकों के वंशज थे। हिंदुस्तानी वो थे, वो मुस्लिम्स थे जो कन्वर्टीज थे, जो कि या तो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, जो कि हिंदूज कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में। इनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे। हिंदुस्तानी दल जो था, हिंदुस्तानी ग्रुप को जाट, राजपूत और हिंदू जमींदार जो थे इनका सपोर्ट ये मिला हुआ था। तो जुल्फिकार खान की मदद से आया हुआ जहंदर शाह बिल्कुल ही इनकैपेबल था, ये अपनी ड्यूटीज बिल्कुल नहीं निभाता था। और जो भी फेवर करते थे, जिस तरह से कहते हैं कि जो चापलूस लोग होते थे, उन लोगों का समय जो था वो जहंदर शाह का समय था। जहंदर शाह हर वक्त, जहंदर शाह एक कमजोर लेजी प्रिंस था, इस वजह से लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जो मुगल दरबार था वो अब ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, इन बातों का क्षेत्र रह गया, अब यहाँ पे जो लाइव डांसर्स, एंटरटेनर्स, इन सब की जो महफिल है वो ज़्यादा जमने लगी, रादर देन जो रियल इश्यूज होते थे मुगल सल्तनत के वो डिस्कस होने बंद हो गए। इवन जहंदर शाह अंडर इन्फ्लुएंस था एक डांसिंग गर्ल, लाल कुंवर। जिस तरह से जहांगीर ने नूर जहां को पदवी दी थी, वैसे ही जहंदर शाह ने लाल कुंवर को भी एलिवेट किया एट द पोस्ट ऑफ क्वीन कॉन्सर्ट, और बिल्कुल सेम स्टेटस नूर जहां की तरह से दिया। इवन लाल कुंवर के नाम पे सिक्के भी निकाले गए। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो जहंदर शाह ने जजिया टैक्स को एबॉलिश किया। जहंदर शाह का जो रूल टाइम था वो काफी छोटा था, मार्च 1712 से लेके फेब 1713 तक। और जो भी कार्य किए जहंदर शाह ने वो अपने वजीर के एडवाइस में किए। हमने पीछे पड़ा कि बहादुर शाह वो लास्ट रूलर था जिसने रियल रूल देखा, जो कि एज अ शासक रहा। जहंदर शाह पूरा इन्फ्लुएंस था जहंदर शाह पे उसके वजीर जुल्फिकार खान का। जहंदर शाह ने ट्राई किया फ्रेंडली रिलेशन विद द मराठाज एंड राजपूत, जैसे उसके फादर ने किया था, ऑन द एडवाइस ऑफ जुल्फिकार खान। मराठाज, अब जो चीज बहादुर शाह ने मराठाज को नहीं दी थी वो जहंदर शाह ने दे दी। मराठाज को जहंदर शाह ने राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी, लेकिन कंडीशन रखी
कि मुगल ऑफिशियल्स कलेक्ट करेंगे चौधरी देशमुख की और बाद में ये हैंडओवर कर देंगे मराठा ऑफिशियल्स को। एंड राजपूत के विषय में जैसे उनको चाहिए था, पहले तो उनको टाइटल दिया गया मिर्जा राजा जयसिंह को ऑफ अम्बेर एंड उनको गवर्नर, क्योंकि बहादुर शाह ने गवर्नरशिप ऑफ मालवा नहीं दिया था जयसिंह को, ये चीज़ भी जहंदर शाह ने राजपूत को दे दी। एंड महाराजा का टाइटल अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ को दे दिया और उसको गवर्नर बना दिया, सूबेदार बना दिया गुजरात रीजन का। सिखों के अगेंस्ट सेम रहा, जैसे बहादुर शाह ने पॉलिसी ऑफ सप्रेशन उनको दबाने की कोशिश की, जहंदर शाह ने भी सिख को पॉलिसी ऑफ सप्रेशन जो है अगेंस्ट बंदा बहादुर अप्लाई किया। हम जैसे बता रहे हैं कि वजीर जुल्फिकार खान की एडवाइस पे ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहंदर शाह ने किए, तो जुल्फिकार खान की ही मदद से जहंदर शाह वो अपने भाइयों को ओवरकम करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और जिसके बाद फेवर के तौर पे जहंदर शाह ने उसे अपना वजीर डिक्लेयर कर दिया। जुल्फिकार खान पहला वजीर था जिसकी पावर, जो ओवरऑल जो सत्ता थी, जो पावर थी, वो एम्परर से ज़्यादा थी। बिकॉज हमने अब पहले ही पढ़ा कि बहादुर शाह वो लास्ट रूलर था जिसने रियल रूल देखा। इसके बाद जो ऑफिशियल नोबल्स हैं हम देखेंगे उनका पावर ज़्यादा होता था एम्परर से और वो किंग मेकर्स बनते जा रहे थे। तो जुल्फिकार खान ही वॉज द फर्स्ट वजीर टू हैव मोर पावर इन एम्पायर देन एनी एम्परर। जुल्फिकार खान काफ़ी लर्न्ड और डिग्निफाइड पर्सन था। उसने ट्राई किया ओवरऑल सिचुएशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने का। ही मेड एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस, जो ओवरऑल कंडीशन थी, जो मुगल ट्रेजरी थी, ओवरऑल कंडीशन को उसने स्टेबल करने की कोशिश की। जैसे कि लास्ट में हमने देखा था बहादुर शाह ने सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए खूब सारी जागीर फ्री में बांटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुगल ट्रेजरी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत ख़राब हो गई। He made an attempt to improve the finances of empire by checking the reckless growth of jagirs and office. मतलब उसने एक चेक लगाना किया और उसने कंपेल किया मनसबदार को कि अपने ऑफिशियल कोटा, एक कोटा रखो अपने ट्रूप्स का, उसको मेंटेन करो। तो एक तरह से डिसिप्लिन लाने की कोशिश की उसने एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जुल्फिकार खान जहाँ एक काफ़ी लर्न और डिग्निफाइड पर्सन थे, एक इवल प्रैक्टिस जो जुल्फिकार खान लेके आया वो था सिस्टम ऑफ इजारा, जिसे रेवेन्यू फार्मिंग भी कहते हैं, यानी ठेके पर लगान की वसूली, एक मिडल मैन को एम्प्लॉय कर देना। टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या होता था, एक फिक्स्ड रेट पे रेवेन्यू कलेक्ट होता था, लेकिन इजारा में, जो रेवेन्यू फार्मिंग में, ठेके पे लगान की वसूली शुरू हो गई। फार्मर्स और मिडल मैन जो होते थे, रेवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे, वो था फिक्स्ड रेट। टोडरमल के टाइम पे क्या था, फिक्स्ड रेट पे रेवेन्यू फार्मर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देना है और अपने प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू फार्मर्स जितना भी चाय कलेक्ट कर सकता है पिजेंट से, मतलब फार्मर से वो जितना भी कलेक्ट कर ले, सपोज ये हो गया कि 5,000 रुपये देने हैं। अब 5,000 रुपये देने के लिए जो मिडल मैन है, चाहे वो फार्मर से 10,000 रुपये ले, चाहे वो 1,00,000 रुपये ले, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। एक फिक्स्ड अमाउंट बस देना है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि किस तरह से आप पीजेंट से, किस तरह से आप फार्मर से ये मनी वसूलो। तो ओवरऑल इस वजह से जो कंडीशन थी फार्मर्स की वो काफ़ी डिटीरियोरेट हुई, ख़राब हो गई। जुल्फिकार खान की भी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से कई नोबल्स जो हैं वो डिसलाइक करते थे जुल्फिकार खान को। इवन जैसे कि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था जुल्फिकार खान का, एम्परर खुद ही जुल्फिकार खान के अगेंस्ट कंस्पायर करने लगा, अपने खुद के वजीर के अगेंस्ट, जो कि पूरा सिचुएशन देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी नीतियों को खंडित करने के लिए वो एम्परर खुद ही कंस्पायर करने लगा। और अगर एम्परर ही पूरी तरह से सामने आके ये ना बोल सके अपने वजीर को कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, वजीर की पावर ज़्यादा हो जाए एम्परर से, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल क्या डिस्ट्रक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इस पूरी डिसऑर्डरली कंडीशन को देखते हुए अजीमुशान, जो कि बेटा था बहादुर शाह का, जिसकी मृत्यु हुई थी, जहंदर शाह ने करवाई थी राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए, उसका बेटा फारूक सियार, उसने इस ओवरऑल सिचुएशन का फायदा उठाया। ही टुक द एडवांटेज, एक बड़ी सी आर्मी ऑर्गेनाइज की और जहंदर शाह के विरुद्ध लड़ा
आगरा के पास, जिसमें जहंदर शाह हार गया। जहंदर शाह भाग गया और वकील मुल्तक जो उसका ऑफिशियल था एक, उसके पास उसने शरण ली। ही टुक अ श्राइन देयर, लेकिन वकील मुल्तक ने भी उसे धोखा दे दिया और जहंदर शाह पकड़ा गया और जनवरी 1713 में उसे मार दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड। फारूक सियार अकेला नहीं था जो एम्परर ऐसे ही बन गया, वो एम्परर बना था सैयद ब्रदर्स की मदद से। सैयद ब्रदर्स ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं, दे आर टू ब्रदर्स, सैयद बंधु के नाम से जानने जाते हैं, हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान। इनकी मदद से फारूक सियार अगला मुगल सम्राट बना। जैसे कि हमने पढ़ा था, जहंदर शाह बना था किसकी मदद से, जुल्फिकार खान की मदद से, और फारूक सियार बना था सैयद ब्रदर्स की मदद से। ये सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे कि दे वर नोन एज किंग मेकर्स। और इनका रोल क्या रहा मुगल साम्राज्य में, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फारूक सियार 1713 में मुगल सम्राट बना और पूरा रूल जो शासक काल था उसका 1713 से लेके 1719 तक था। फारूक सियार बेटा था अजीमुशान का, जो बेटा था बहादुर शाह का। एज हमने अभी डिस्कस किया, ही बिकेम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब जैसे ही कोई इस तरह से रूलर बनता है, तो सबसे पहले जिसकी फेवर से वो रूलर बना है उसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट देता है। तो सिमिलरली ही वॉज सो ग्रेटफुल दैट ही अपॉइंटेड सैयद अब्दुल्ला खान एज हिज वजीर, वन ऑफ द सैयद ब्रदर, उसे उसने अपना अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया, और जो छोटा हुसैन अली है उसको मीर बख्शी बना दिया। वजीर पोस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की तरह हुआ, यानी कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वहीं मीर बख्शी जो है इसका कमांड होता था मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री के अंडर, मिलिट्री अपॉइंटमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ओवरऑल देखना मिलिट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ काम जो होता है मीर बख्शी का होता है। तो सैयद हुसैन को मीर बख्शी बनाया गया और उसने आसद खान को और उसके बेटे जुल्फिकार खान को, जो कि अर्लियर वजीर था जहंदर शाह का, उसको कैद कर लिया। इवन चिन कुलिच खान जो कि लीडर तुरानी ग्रुप का था, उसे टाइटल दिया गया निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क जो टाइटल था वो किसके शासन पे दिया गया, फारूक सियार के। फारूक सियार ने दिया था चिन कुलिच खान को ये शासक, और मनसब दिया गया 7000 का ऑन एडवाइज ऑफ अब्दुल्ला खान। चिन कुलिच खान के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चिन कुलिच खान ने इस्टेब्लिश किया था स्टेट ऑफ हैदराबाद को। तो एक अलग से एक चैप्टर जो है हम निज़ामुल मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या रहा फारूक सियार के टाइम पे, वो ये था, सबसे पहले तो जो श्रेय जाता है फारूक सियार को वो था बंदा बहादुर का एग्जीक्यूशन। फारूक सियार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो सिख लीडर जो था उसका जो लीडर बना हुआ था, सिखों को हराया था। किसने? फारूक सियार ने। बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया 1715 में। बंदा बहादुर को गुरदासपुर, जो कि पंजाब में है, उसके पास पकड़ा गया था और दिल्ली में उसकी हत्या, एग्जीक्यूशन जो है वो दिल्ली में कर दी गई। 1714 के अराउंड हुसैन अली और अजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फारूक सियार से करने का वादा किया और अपने पुत्र अजय सिंह को मीर बख्शी के साथ दरबार में उपस्थित होने का भी वचन दिया। सो दिस वॉज द ट्रीटी बिटवीन द हुसैन अली एंड अजीत सिंह। एंड रिगार्डिंग जाट, 1718 में फारूक सियार ट्राई टू सप्रेस चूरामन जाट ऑन द एडवाइस ऑफ सैयद ब्रदर। चूरामन जो थे देवर अलाउड टू पोजेस फोर्ट, जो उनका फोर्ट था वो ले सकते हैं, लेकिन उनको मुगल अथॉरिटी को मानना पड़ा। तो जैसे कि आप देखेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि मुगल दरबार में कई सारे ग्रुप्स थे, तो ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद ब्रदर्स दे बिलोंग टू हिंदुस्तानी ग्रुप। इसी वजह से हमने पहले भी बताया कि इनके पास सपोर्ट रहता था जाट राजपूत, जो कि हिंदू शासक होते थे, हिंदू रूलर्स होते थे और हिंदू जमींदार, उनका सपोर्ट रहता था। तो इसी वजह से
कहीं ना कहीं राजपूत जाट्स इनके साथ इनका ओवरऑल जो रिलेशन है वो फ्रेंडली ही रहता है. दे ट्राई टू डू ट्रीटी, समझौता करने की कोशिश जो है इनके साथ रहती थी. बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द टाइम जो फारूक सियार के हुआ वो था इशुएंस ऑफ फरमान इन फेवर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इस फरमान के अकॉर्डिंग कंपनी वॉज अलाउड टू ट्रेड इन बंगाल, कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी ड्यूटी के दिए. और ये आगे चल के जो है घातक साबित हुआ और ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत हेल्प हुई खुद को बंगाल में इस्टेब्लिश करने में. तो इशुएंस ऑफ फरमान जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा फारूक सियार के टाइम पे. फारूक सियार He was incapable coward and Sayyed Brothers का जो influence था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जैसे कि जहंदर शाह और जुल्फ़िकार खान के बीच में काफ़ी controversies पैदा हो गई, सेम इसी तरह सैयद ब्रदर्स और फारूक सियार के बीच में भी conflict पैदा हो गया. और emperor जो है सेम लाइक जहंदर शाह ही started conspiring और plotting against सैयद ब्रदर्स. ही वॉज फारूक सियार एक दुर्बल, एक कायर, कॉवर्ड शासक था, इसीलिए इसे घृणित कायर भी कहा गया. और इस कॉन्फ्लिक्ट जो सैयद ब्रदर्स और फारूक सियार के बीच में थी, इसका एंड बहुत शेमफुल और डिसग्रेसफुल रहा इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर. पूरे मुगल हिस्ट्री में काफी शेमफुल रहा, जिसमें सम्राट को धक्के मार मार के सिंहासन से उतार दिया गया और उसे पकड़ के जेल में डाला गया और फाइनली मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया. सो ये मुगल हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा शेमफुल एक्ट था फॉर एनी मुगल रूलर. हम जैसे कि बात कर रहे हैं सैयद ब्रदर्स की, जिनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि इन्होंने मुगल सम्राट को धक्के मार मार के थ्रोन से उठाया, सिंहासन से उठाया और उसे एग्जीक्यूट कराया. तो ये सैयद ब्रदर्स कौन है? सैयद ब्रदर्स जो हैं ये दो ब्रदर्स थे, इनके नेम इम्पॉर्टेंट हैं, ये पता होने चाहिए, सैयद अब्दुल्ला खान एंड सैयद हुसैन अली. और इनको क्या कहा जाता था? किंग मेकर्स कहा जाता था. और इनका ओवरऑल इन्फ्लुएंस का टाइम था ये 1713 से शुरू हुआ जब फारूक सियार शासक बना, से लेके 1721 तक इनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहा मुगल दरबार में. ये अपनी डिसेंडेंसी मेसोपोटामिया से लिंक करते आए हैं और कुछ सोर्सेज में इनके डिसेंडेंट रहे अब्दुल फारा, एक जो कि एक मेसोपोटामियन एडवेंचरर थे जो पटियाला के पास आके सेटल हुए थे. इनका कंट्रोल 12 villages में था, जिसकी वजह से इनको 12 भी कहा जाता था. इनके फादर बीजापुर और अजमेर के सूबेदार रहे. और जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था आफ्टर औरंगजेब का, तो दोनों भाइयों ने साइड किया था मुअज्जम का, और जिसकी वजह से ये फेवरेट बन गए थे एम्परर के एंड देवर रिवॉर्डेड की सर्विसेज के लिए रैंक मनसब ऑफ 4000. एल्डर ब्रदर जिनका हम नाम बता रहे हैं सैयद अब्दुल्ला खान, हिज रियल नेम वॉज हसन. 1708 में अजीमुशान ने हुसैन अली को अपॉइंट किया था एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए बिहार, और 1711 में अब्दुल्ला खान को, ब्रदर को, उस डेप्यूटी अपॉइंट किया था इलाहाबाद में. और इन्हीं फेवर्स की, अजीमुशान की इन्हीं फेवर्स की वजह से, अजीमुशान के बेटे को यानी कि फारूक सियार को इन्होंने सपोर्ट किया था शासक बनने के लिए. इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज फेवर दे एस्पाउज्ड हिज सन फारूक सियार फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड दे किल्ड जहंदर शाह इन द बैटल. ये जो फेवर्स दिए गए इनकी वजह से. और जब फारूक जो है वो बन गया रूलर, उसने क्या किया, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी थी, एक को वजीर बनाया, एक को मीर बख्शी. आफ्टर फारूक सियार सैयद ब्रदर्स हु वर नोन एज द किंग मेकर्स, इन्होंने रफ़ी उदराजत को शासक बनाया. जो रूल टाइम था रफ़ी उदराजत का बहुत छोटा था, इनफैक्ट इट ही वॉज द एम्परर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटे टाइम के लिए मुगल सम्राट जो था वो था रफ़ी उदराजत. 12 फेब से लेके 4 जून 1719 तक ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बहादुर शाह वन. एंड आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद रफ़ी उद्दौला राजा बनाया गया, वॉज मेड द मुगल सम्राट ऑन 6 जून
एंड ही रिमेन्ड द रूलर, वो शासक रहा, वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए, टिल 17 सितंबर 1719। वो एक कंट्रोल्ड प्रिजनर था, उसकी कुछ अपनी से नहीं थी, कुछ भी नहीं वो खुद से कर सकता था, इवन किसी भी नोबल से मिल नहीं सकता था, बातें नहीं कर सकता था, डिस्कशन नहीं कर सकता था, एंड ही डाइड वेरी अर्ली इन सितंबर 1719। आफ्टर हिम सैयद ब्रदर हु वर नोन एज द किंग मेकर्स, दे मेड ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह, सन ऑफ जहां शाह, यंगेस्ट सन ऑफ जहां शाह, मोहम्मद शाह एज द नेक्स्ट एम्परर। सो मोहम्मद शाह वॉज मेड द नेक्स्ट मुगल रूलर। हम मोहम्मद शाह के बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे एंड उसके आगे जो भी लेटर मुगल्स हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।